अमित शाह से मिलने पहुंचे राज ठाकरे, विनोद तावड़े भी साथ, एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग का चर्चा। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी को एमवीए का अल्टीमेटम, 4 सीटों के प्रस्ताव पर शाम तक दे जवाब। सीट शेयरिंग पर बोले वीबीए प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले, एमवीए के किसी दल या नेता ने हमारी पार्टी को नहीं दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल, सूत्रों के मुताबिक 48 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट को 13 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें दी गई। आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा, बीआरएस नेता की कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति का फायदा उठाने के लिए के कविता ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, होलसेलर्स के जरिए पहुंचाया गया पैसा। ईडी के 100 करोड़ के दावे पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, आतिशी बोली ईडी के पास लेन देन का कोई सबूत नहीं, ईडी के आरोप खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आतिशी का आरोप सीबीआई के जरिए भी केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश, अब नए फर्जी केस में भेजा समन, किसी भी केस में केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार, केजरीवाल ने दिए 9 समन पर 18 बहाने, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समन से भागे। समित पात्रा बोले ये एके नहीं एएके एग्जीक्यूट अरविंद केजरीवाल हैं, कोर्ट ने भी पहली नजर में केजरीवाल को आरोपी माना, जांच से बच नहीं सकते केजरीवाल। राउज रेवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई जुडिशियल कस्टडी, शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, पीएम मोदी पर बरसाए फूल। पलक्कड़ में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े दिखे लोग, खुली गाड़ी में सवार पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। पशुपति पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, बिहार में सीट बंटवारे में एक भी लोकसभा सीट न मिलने पर फैसला। पशुपति पारस बोले एनडीए में हमारे साथ हुई नाइंसाफी, बिहार में हमें एक सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले एनडीए में हो गया सीट बंटवारा, हम चुनाव के लिए तैयार, जिनका नहीं है हो पा रहा वो बताएं। झारखंड में सोरेन परिवार में कलह आई सामने, सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दिया, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भाभी है सीता सोरेन। हरियाणा में नायब मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार, शाम को 4:30 बजे नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले लोकसभा की सभी सीटों पर पीएम मोदी ही है प्रत्याशी, हमें उनके लिए करना चाहिए प्रचार। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल चुनावी सामग्री की लॉन्च नरेंद्र मोदी ऐप पर कराई उपलब्ध। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, पार्टी चीफ खड़गे के साथ सोनिया और राहुल गांधी शामिल, कई और बड़े नेता भी शामिल। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में घोषणा पत्र पर बोले खड़गे, कांग्रेस ने 5 न्याय जनता के सामने रखे और हिस्सेदारी, युवा, किसान, नारी और श्रमिक न्याय का वादा। तेलंगाना के गवर्नर सौंदर्य राजन का इस्तीफा स्वीकार, प्रेसिडेंट मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को सौंपा चार्ज। शरद गुट के विधायक रोहित पवार की आज ठाकरे से अपील, महाराष्ट्र हित और धर्म का करे पालन, बीजेपी के साथ ना दे, हमारे साथ आकर लड़ने की जरूरत। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल, आज हो सकता है ऐलान, हासन मांड कोलार सीट मांग रही है जेडीएस। तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके के बीच सीट शेयरिंग पर समझौता, पीएमके चीफ अंबुमणि रामदास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई रहे मौजूद। तमिलनाडु से एमडीएमके सांसद वाइको बोले पीएम मोदी लगातार कर रहे झूठे वादे और झांसे पर तमिलनाडु फिर साबित करेगा कि ये पेरियार में भूमि है। शशि थरूर का एलडीएफ पर निशाना, लिखा वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का कर रहे थे विरोध, वही लोग तिरुवनंतपुरम में एंटी बीजेपी वोट बांटने के जुटे। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा और सिक्किम के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा, सूत्रों के मुताबिक यूपी के 25 सीट पर हुआ मंथन। चुनाव तैयारियों पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी, सभी पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, सख्ती से लागू करें आचार संहिता। जयपुर में सीएम भजन लाल ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के निर्देश। पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाड़ा साहिब पहुंचे हरियाणा के सीएम, नायब सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा, प्रार्थना कर मांगा आशीर्वाद। सीएम नायब सैनी ने अंबाला में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग सीएम का किया स्वागत। सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में भी किया रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, सीएम ने लोगों का किया अभिवादन। रोड शो में बोले सीएम नायब सैनी, हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को दिया रोजगार, पीएम मोदी को जीता कर देनी है 10 सीटें। देहरादून में सीएम धामी से मिले फिल्मी कलाकार राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी और मल्लिका शेरावत ने की मुलाकात। नागपुर में बोले इंटरनेशनल हिंदू परिषद के चीफ प्रवीण तोगड़िया,
डंके की चोट पर आएगा पीओके। गडकरी जी लाहौर के ऑफिस में बैठकर बनाएंगे सड़कें। पीएम मोदी ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति की पोस्ट को किया शेयर, लिखा हिंद महासागर में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अमेरिकी सिलिकॉन वैली में मोदी समर्थकों ने किया हवन, चुनावों के लिए बीजेपी की 400 प्लस सीटों की कामना की। लद्दाख में अफोस का ऑपरेशन सद्भावना, गंभीर रूप से बीमार लोगों को लेह से चंडीगढ़ किया एयरलिफ्ट। रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए विनय कुमार, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके दी जानकारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, 36 लाख के इनामी चार नक्सली ढेर, AK-47 की कार्बाइन, दो पिस्टल बरामद। बेंगलुरु में दुकानदार की पिटाई के बाद लोगों में गुस्सा, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, भजन बजाने पर मुस्लिम युवकों ने की थी पिटाई। बेंगलुरु में फूड चेन मेघना फूड के ठिकानों पर आईटी रेड, टैक्स चोरी के आरोपों पर छापेमारी। मिजोरम में सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, 2 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ दो लोग अरेस्ट, 110 जिलेटिन की छड़े के साथ एक कपल भी पकड़ा गया। तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस का सफलता, एक गाड़ी से करीब 6.25 करोड़ रुपए की कीमत का गोल्ड बरामद। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव का कबूलनामा, सिंगर फैजलपुरिया की पार्टी में बनाया गया सांप का वीडियो, फैजलपुरिया से भी होगी पूछताछ। हरिद्वार में SSP के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, चुनावों के मद्देनजर बढ़ाएगी सुरक्षा, 162 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई।